सोसाइटी का काम है। जी सर, मेरा नाम जसवीर सिंह है और यहाँ पे मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर हूँ। यहाँ पे जितने भी बेनिफिशियरी आते हैं उनका डाटा जो है एंट्री करते हैं, उनका आधार से फ़ोन नंबर से मैं उनको वेरीफाई करके देन मैं वैक्सीन लगवाता हूँ यहाँ पे और उनको सर्टिफिकेट यहाँ से मैं प्रोवाइड करता हूँ। क्या अनुभव आता है? तो सर, हमें जो यहाँ पे हमें जो है सर्टिफिकेट हमें दिया जाता है तो हमें बहुत एक गर्व महसूस होता है कि लोग यहाँ से वैक्सीनेट होकर जा रहे हैं और इतने बेनिफिशियल को वैक्सीन लग चुकी है, तो मतलब एक अंदर से हमें प्राउड फील होता है कि हम यहाँ पे बहुत अच्छी जगह पर हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं। नागरिक आता है उसके बाद जब जानकारी मांगते हैं तो कैसा अनुभव होता है? वो खुले मन से देता है, रेडी रहता है? सर, वो बेनिफिशियल जो है अच्छे से मतलब उनको वो एग्री होते हैं कि हम वैक्सीन लगवा रहे हैं, उनको बहुत अच्छा सा मतलब फील होता है कि हमारे लिए एक सर ने जो है हमें अच्छे से मतलब हमें एक दिया गया है वैक्सीन दिया गया है। क्या कोई एकदम से बहुत बढ़िया अनुभव याद हो ऐसा कुछ किसी पेशेंट ने कहा करे तो उसे अलग ही अनुभव आया ऐसा कुछ? सर, एक पेशेंट थे हमारे पास, उन्होंने हमें कहा था कि यहाँ पे जो है पूरे मतलब देश भर में इतना वैक्सीन हो रहा है, तो उन्होंने मतलब हमें बोला कि मतलब उतना मतलब अपनी तरफ से बोला कि हमें एक हमें कोविड से बचाने के लिए ये हमें वैक्सीन चालू की गई है और पूरी उन्होंने अपनी फैमिली को एक साथ यहाँ पे आके वैक्सीन लगवाया। कोई एकदम से नेगेटिव कोई अनुभव आया हो आने वाले नागरिक की तरफ? ऐसा तो कुछ नहीं है। नमस्ते जी। ओहो, सुना नहीं है? क्या सुनना है? पहला डोज है या जी? मेरा ये पहला डोज। अरे, इतना देर लगा दिया? इसलिए कि अभी मैं अभी तक लापरवाह था और मैं ये सोच रहा था कि क्योंकि मैं बनारसी हूँ बनारस के तारनाथ में मेरा घर है और वहाँ मैं एक छोटा सा दिव्यांग स्कूल भी में चला था। यहाँ क्या करते हैं? यहाँ मैं एक व्यवसाय करता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ, एक छोटा मोटा व्यवसाय करता हूँ। वहाँ स्कूल चलाते हैं? पहले वो मेरे बड़े भाई हैं। आप तो स्कूल चलाते हैं और आप इतने देर वैक्सीनेशन के कर दिया? ऐसा इसलिए कि जो स्कूल चलता है वो मेरे बड़े भाई चलाते हैं और यहाँ मैं अपना छोटा मोटा व्यवसाय करके अपना जीवन का यापन करता हूँ। दूसरी चीज, अभी तक मैं थोड़ा लापरवाह था, मैं सोचता था कि मैं योगा करता हूँ, मैं खाटिक बनारसी हूँ, ये कुछ नहीं होगा, लेकिन जब 70 करोड़ लोगों ने लगवाया तो मेरे मन में जिज्ञासा आई, मुझे भी लगवाना चाहिए, योगा से कुछ नहीं होता है। बनारस के एमपी ने लगवाया तब मन नहीं कर गया? नहीं कर, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। और देखिए, आपके जितने स्टूडेंट्स हैं उनके गार्डियन, उनके परिवार में कोई सीनियर व्यक्ति बाकी है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आपके स्कूल के सभी बच्चों के माँ बाप उनका वैक्सीनेशन हो जाए। आप जहाँ व्यवसाय करते हैं वहाँ सारे आपके काम करने वालों का हो गया है? आपने पहले लोग समाज में विकलांग शब्द जब कहते थे तो बड़ा मन में कष्ट होता था और अपमान महसूस होता था, लेकिन आपने दिव्यांग नाम दे करके हम लोगों को बड़ा दिव्यांग बना दिया। इसलिए जन्म से समस्या है? ये जन्म से बनारस में 1979 में मेरी माँ एक गांव में रहती थी, उस समय लाइट नहीं थी और पिताजी शिक्षक थे सरकारी स्कूल में, तो माता जी को जानकारी नहीं थी। जैसे ही उन्होंने लौकी का पहला फांक काटा वैसे ही पिताजी आ गए, उन्होंने बताया कि आज 70 वो सूर्य ग्रहण का प्रकोप है, आज ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लौकी का पहला फांक थे तो ये चारों सिर्फ उंगलियाँ आनी जो है रह गई हैं, बाकी जो है इसीलिए मैं बहुत आभारी हूँ आपको। अब ये गर्व महसूस होता है, आप समाज में कहीं भी मैं जाता हूँ तो लोग ये समझते हैं ये दिव्यांग। इस बार पैरालंपिक में हार दिव्यांग भाइयों ने किया ना, उसके कारण तो उन लोगों में बहुत प्रतिष्ठा अपने परिश्रम से बनी। ठीक है, ओ बैठो भैया। नमस्ते जी, क्या सुनना? क्या सुनना? कहाँ से हैं? मणिपुर
मणिपुर, मणिपुर में कहाँ थे? मणिपुर में स्नातक डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, यहाँ कितने साल से? सर मैं हॉस्टल में एक साल हो गया। एक साल, इसके पहले कहाँ थे? पहले मैं स्टडीज कर रहा था, मैं सेकंड दिल्ली से मैं एमएससी कर रही हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद नौकरी जॉब कर लिया था, एक साल हो गया। अब तक कितने लोगों का वैक्सीन किया? सर जब से वैक्सीनेशन शुरू किया था मेरा ड्यूटी आ गया तो लगभग सर 15,000 अभी तो कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत आया होगा। कुछ पेशेंट आया होगा जो चिल्लाता भी होगा? सर उनको डर लगता है कि वैक्सीन से डर लगता है और किसी किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट होगा, तो हम यहाँ पे काउंसलिंग ले रहे हैं तो किसी को जरा ज़्यादा चुप गया होगा तो चिल्लाया होगा, कुछ गुस्सा किया होगा। लोग कॉपरेट करते तो घर जाते तो परिवार वालों का क्या लगता था कि कहाँ ये बेटी क्या कर रही है, घर में तो कोरोना नहीं ले आएगी? सर स्टार्टिंग में मम्मी वगैरह कह रही थी ये बहुत बहुत बधाई आपको। आराम से जब हमारे पास आते थे प्रधान सेवक थे तो अपने आप को भाग्यशाली सेवा करो बहादुर क्यों करो। सर आपको वैक्सीन दे रहा है, आपको सेकंड डोज के 28 दिन के बाद जी सब लोगों का आपने गौरव बढ़ा दिया सर। नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग, क्या नाम है? छवि। अच्छा, तो कैसे आना हुआ अस्पताल? वैक्सीनेशन करना है? यस। अच्छा, इतना देर से क्यों? गाना गाते हो। अच्छा, एक सुनाओ ना, देशभक्ति का कोई गाना सुना। मेरे वतन के लोगों जरा घूम लो पानी जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बान, जब गायन हुआ रुमाले खतरे में पड़ी आजादी, जब तक की सांस लड़े तो फिर अपनी जान बिछा दी। फोटो खिंचा आपको फोटो लेना है।